फ्रेंड्स, हॉरर टू में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस फिल्म की एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं उसका नाम है अनहिंज और यह एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb पर मिले 6 out of 10, रॉटन टमाटो पीट इज 48% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 5.3। फ्रेंड्स, आपके जीवन में ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि आप कहीं पर अपने काम से जा रहे हो और आपके रास्ते में किसी के साथ छोटी सी कहासुनी हो जाए। आज हम इस फिल्म के माध्यम से ऐसी एक स्टोरी लाइन देखने वाले हैं जहां पर रिचल नाम की एक लेडी जिसकी एक अजनबी के साथ आर्गुमेंट हो जाती है, लेकिन यह अजनबी इस बात का बदला इस प्रकार लेता है कि वह लेडी की रूह तक कांप जाए। आगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम बिना कोई वक्त गवाए फिल्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम कूपर नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जिसकी अपने वाइफ के साथ बनती नहीं थी और इसके चलते वो मेंटली इल और थोड़ा साइकोटाइप हो गया था। एक दिन झगड़े के दौरान वो अपने वाइफ का मर्डर कर डालता है और घर में हर जगह आग लगा देता है। न्यूज़ पर यह खबर अच्छी तरह से फैल गई थी और पुलिस को कूपर की तलाश रहती है। फिल्म के दूसरी तरफ हम रिचल नाम की एक वूमेन को देख पाते हैं जो अपने बेटे काइल और उसके भाई फ्रेड के साथ रहती थी। फ्रेड की जीएफ मैरी भी उन्हीं के साथ रहती थी। रिचल की अपने हस्बैंड के साथ बनती नहीं थी और उनका डाइवोर्स हो चुका था। रिचल को मॉर्निंग में एंडी का कॉल आता है और एंडी रिचल का लॉयर था। रिचल अपने बेटे काइल को स्कूल ड्रॉप करने के लिए घर से बाहर निकलती है और कार में रिचल ड्राइव कर रही थी। रास्ते में उन्हें काफ़ी ट्रैफिक मिलता है तो वे दोनों फ्रीवे से जाने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर भी उन्हें ट्रैफिक ही मिलता है। उतने में रिचल के ऑफिस से उसे फ़ोन आता है कि ऑफिस में ठीक से न काम करने के कारण उसे काम से निकाल दिया गया है। एक सिग्नल पर रिचल की कार रुकती है, तभी वहाँ कूपर की कार भी आ जाती है। वहाँ पर कूपर के साथ थोड़ी सी आर्गुमेंट हो गई थी और कूपर सामने से सॉरी कहता है और वो यह चाहता था कि रिचल भी उसे सॉरी कहे, लेकिन रिचल ऐसा नहीं करती और यहाँ से कूपर के अंदर का आतंक शुरू हो जाता है। रिचल यहाँ से निकल जाती है और काइल को स्कूल ड्रॉप कर देती है। वहाँ उसके लॉयर एंडी का भी उसे फ़ोन आता है जो कि पेपर्स के सिलसिले में रिचल से मीटिंग के बारे में पूछता है। रिचल बताती है कि वो 11 बजे की मीटिंग के लिए मिल सकती है और साथ साथ कूपर के आर्गुमेंट वाली बात भी डिस्कस करती है। रिचल फ्यूल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर जाती है तो कूपर को फॉलो करते हुए देख पाती है। पेट्रोल पंप पर एक सेल्समैन से वो मदद मांगती है कि एक आदमी उसे परेशान कर रहा है और उसे इससे छुटकारा चाहिए। सेल्समैन रिचल को कार में बिठाता है और खुद कूपर से बात करने लगता है। कूपर का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था और वो सेल्समैन को कार से कुचल देता है। रिचल जब कार से बाहर पेट्रोल भरने गई थी तब कूपर ने बड़े ही चालाकी से उसका फ़ोन चोरी कर लिया था और वह अपना छोटा सा मोबाइल रख दिया था क्योंकि इससे वो रिचल के लोकेशन को ट्रेस कर पाता। कूपर रिचल के पीछे हाथ धोकर लग चुका था और वो रिचल की जान लेना चाहता था। किसी प्रकार से रिचल यहाँ से भाग जाती है, लेकिन 11 बजे की मीटिंग में कूपर एंडी के पास चला जाता है। कूपर बताता है कि रिचल और वो बचपन के फ्रेंड है और वो भी रिचल से मिलने ही यहाँ आया है। कूपर एंडी से प्यार से पेश आता है और टाइम पर रिचल यहाँ ना पहुँचने के कारण कूपर एंडी के सेल फोन से अपने उस फ़ोन पर कॉल लगाता है जो कि उसने रिचल के कार में छोड़ा था। जब कूपर और रिचल फ़ोन पर बात कर रहे थे तब एंडी को कुछ गड़बड़ लगती है और एंडी अपना सेल फोन वापस मांगता है। कूपर गुस्से में एंडी के चेहरे पर कप मारता है और उसे घायल कर देता है। रेस्टोरेंट के सब लोग यह सब देखकर डरने लग जाते हैं। रिचल कॉल पर कूपर को यह बोलती है कि वह एंडी को छोड़ दे, लेकिन कूपर बताता है कि उसे उस बात की माफ़ी मांगनी होगी जो गलती उसने सुबह ट्रैफिक सिग्नल पर की थी। रिचल अच्छी तरह से माफ़ी मांग लेती है, लेकिन कूपर कहता है कि वह मन से माफ़ी नहीं मांगना चाहती और पास में रखे एक नाइफ से कूपर एंडी का मर्डर कर डालता है और बड़े ही आरामी से वो यहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट के ओनर यह सब मामला पुलिस को बता देता है और पुलिस कूपर को ढूंढने के लिए जुट जाती है। कुछ समय बाद रिचल को वापस कूपर का कॉल आता है। कूपर कहता है कि रिचल के मोबाइल से उसने सारी सेविंग्स मनी अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर ली है, साथ साथ उसके बेटे काइल और उसके भाई फ्रेड का भी वह लोकेशन जानता है। कूपर रिचल को उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट से एक नाम सिलेक्ट करने के लिए कहता है जिसे अब कूपर मार डालेगा।
रिचल अपने बॉस का नाम लेती है और कॉल यहाँ कट हो जाता है। पुलिस को सब बात रिचल बताती है और वह यह भी कहती है कि कूपर उसके बॉस की जान लेने वाला है, लेकिन कूपर रिचल के बॉस के यहाँ जाता ही नहीं। लेकिन कूपर रिचल के घर चला गया था, उसने फ्रेड की गर्लफ्रेंड मैरी का भी मर्डर किया था और फ्रेड को भी कूपर बुरी तरह मारता है और उसे रस्सी से एक चेयर पर बांध देता है। फ्रेड के पैरों पर कूपर पेट्रोल डालकर जलाने ही वाला होता है, उतने में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। एक गोली कूपर के चेस्ट पर भी लगती है, लेकिन किसी तरह पर वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। रिचल को काइल की परवाह होने लगती है और वो काइल को पिक करने के लिए स्कूल चले जाती है। रिचल काइल को उसके ग्रैंड मदर के यहाँ ले जाने वाली थी क्योंकि उससे काइल सेफ रहेगा और कूपर को इस चीज़ की भनक तक नहीं लगेगी। काइल और रिचल काइल के ग्रैंड मदर के यहाँ चले जाते हैं, तभी रिचल सब बातें काइल को बताने लग जाती है। काइल अपनी टैबलेट से रिचल के मोबाइल को ट्रेस करता है जो कि कूपर के पास था। काइल बताता है कि कूपर उनके कार के आगे वाली कार में ही है। रिचल काइल को शांत रहने के लिए कहती है और कूपर को ओवरटेक कर लेती है। आगे उसे पुलिस की कार दिखाई देती है जिससे वह मदद मांगती है। कूपर यह सब देख रहा था और वो पुलिस की कार को अपनी कार से फोर्सफुली पुश करता है। इसके चलते पीछे से आ रहा ट्रक पुलिस की कार के ऊपर चढ़ जाता है और सब के सब पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। रिचल अपने मॉम के यहाँ चली जाती है और उसने काइल को ऊपर स्टोर रूम में छुपा कर रखा था। रिचल के कार का पीछे करते करते कूपर रिचल के मॉम के घर तक पहुँच चुका था। जैसे ही कूपर की कार वहाँ आती है, रिचल अपनी मॉम की कार से कूपर को उड़ा देती है। कार से नीचे उतर कर कूपर को वह चेक करने जाती है कि कूपर मरा या नहीं। तभी कूपर ही रिचल पर उल्टा वार कर देता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। कूपर काइल को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाता है, तभी रिचल किसी तरह से वहाँ से उठती है और घर के गैराज में रखे मेटालिक रॉड और सीजर ले लेती है और कूपर के पीछे पीछे जाती है। कूपर को काइल ऊपर स्टोर रूम में मिल जाता है, लेकिन वहाँ रिचल भी आ चुकी थी। रिचल के लाए मेटालिक रॉड से कूपर रिचल को ही बोट मारता है और अब वो काइल की तरफ जा रहा था। कार की मदद से कूपर काइल का गला घोटने की कोशिश कर रहा था, उतने में रिचल वापस खड़ी हो जाती है और सीधे कूपर की आंखों में बड़ा सा सीजर डाल देती है। कूपर अभी भी जिंदा था, लेकिन रिचल उसे और मारती है जिसके कारण कूपर की डेथ हो गई थी। हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आइए हम और आप मिलके डिस्कस करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, पहली बात तो हमें किसी बात की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दुर्घटना से देर भली हमने कई जगह सुना तो था, मगर इस फिल्म के माध्यम से हमने देख भी लिया, क्योंकि अगर रिचल वो ट्रैफिक जाम में ही रहती तो कूपर से कभी वह मिलती ही नहीं और यह सब नहीं होता। दूसरी बात, जब कूपर ने सामने से सॉरी कहा तो अगर रिचल सॉरी कहे तो शायद इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। अपने ईगो के कारण जो हुआ उसके लिए रिचल खुद जिम्मेदार थी। तीसरी बात, हम सबको यह सीखनी चाहिए कि हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, जिससे हम अपनी प्राइवेसी का ख्याल रख पाएंगे। आज के लिए ही बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।